तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर एक नया वेब सीरीज रिलीज हुआ है जिसका नाम है राणा नायडू और जिसके टोटल 10 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ लगभग 45 मिनट की है। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस मूवी को सीरीज को देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, अच्छा या बुरा, और जानेंगे मूवी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। अगर मैं आपको बता दूँ, ये राणा नायडू वेब सीरीज है जो एक रीमेक है हॉलीवुड की वेब सीरीज का जिसका नाम है रेड ओवन और वो मैंने नहीं देखी है तो इसका कंपेयर हम नहीं करेंगे। अगर इस सीरीज की कहानी की बात करें तो राणा नायडू जो कि राणा दुगुबती रोल प्ले कर रहे हैं जो हाई प्रोफाइल लोगों के कांड को सुलझाता है जैसे ब्लैकमेलिंग, MMS आदि लफड़े, पर उसका खुद का फैमिली मैटर चल रहा है जिसका पिता जो कि वेंकटेश रोल प्ले कर रहे हैं 15 साल बाद जेल से आए हैं और राणा नायडू उससे नफरत करता है। अब नफरत क्यों करता है वो आप वेब सीरीज देखकर जानो। आइए अब जानते हैं इस सीरीज के कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। सीरीज के अगर नेगेटिव की बात करें तो इस सीरीज में बार बार न्यूडिटी, इंटीमेट सीन, लेस्बियन सीन, ट्रांसजेंडर सीन वगैरह वगैरह सभी प्रकार के एडल्ट सीन है जो इस फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते और चिल्ड्रन भी नहीं देख सकते। अगर दूसरा नेगेटिव की बात करें तो इसमें हर बंदा ठगी दिखाया गया है। अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव की। सबकी परफॉर्मेंस एकदम गजब थी, चाहे सीरीज में कितना भी गंद हो पर वेब सीरीज आपको बांधे रखती है स्टोरी में। अगर इस सीरीज को एक लाइन में रिव्यू करें तो ये सीरीज एक अबव एवरेज सीरीज है। तो शायद कुछ लोगों को पसंद आ सकती है इसके न्यूडिटी और सेक्स सीन के लिए और कुछ लोगों के लिए कहानी के लिए पसंद आ सकती है।